मेरा नाम शौकत है। पूरी बताओ शौकत, वल्द क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत है, वालिद का नाम लियाकत अली। जात राजपूत। कहाँ के रहते हो? मैं असल रहने वाला हूँ सखर शहर का, लेकिन अभी मेरी रिहाइश टंडवादम में। मैं अक्सर काफ़ी टाइम से जो टंडवादम ही रहता हूँ, काम कार में इधर ही करता हूँ। मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए, मैं छोटा सा था काफ़ी सालों से, तब से मैं यहीं रहता हूँ। मेरा नाम रुखसार है। वालिद का नाम क्या है आपका? लियाकत अली। जात क्या है आपकी? राजपूत। कहाँ की रहती हैं आप? हम रहने वाले गांव के, बाकी अभी यहीं से यहीं पे रह रहे हैं। ठीक है। ये है कि मैं अपनी बहन के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपनी बड़ी बहन के एतबार पे छोटी बहन को उनके पास छोड़ा हुआ था। दूसरे भाई भी रजामंद थे कि वहाँ पे रहेगी तो खुश रहेगी, इस वजह से हमने अपनी छोटी बहन को बड़ी बहन के पास छोड़ दिया। 6 महीने हुए या साल हुआ है वल्ला आलम मैं नहीं जानता, ये जैसे कैसे वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे उनसे ख़ास ताल्लुकात भी नहीं, आना जाना भी नहीं है। अचानक से जब ये मेरे पास आई है मामू के घर पे, तो इन्होंने रो के सारी दास्तान अपनी बयान करी है कि मेरे साथ जुल्म है भाई, मुझे कभी पैसे लेके कराची किसी के साथ भेज देते हैं, तो कभी अपने शहर में किसी के साथ भेज देते हैं, बेनोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। तो ये बातें सुन के हमें थोड़ा गुस्सा भी आया। मैंने बहन को बुलाया, उनसे फ़ोन पर बात की, उन्होंने आके से मारा पीटा कि ये सारी बातें गलत हैं और ये हमारे पे इल्ज़ाम लगा रही है, हमारे पैसे चोरी करके निकली है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हमें उस पर एतबार इसलिए नहीं है कि बच्ची अभी नाबालिग है, वो हर बात अपने मुंह से बयान कर रही है, तो हम उसकी बात कैसे मान लें। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे बहनोई को भी सज़ा मिले और मेरी बहन को भी सज़ा मिले। जो सहाफ़ी हैं शाहिद अब्बासी और अपना जीशान राही, इन दोनों को भी सज़ा मिले। उसके अलावा जो वगैरह इसने नाम लिए हैं, रमज़ान मुगल या फिर कोई दूसरे तीसरे जिनको मैं नहीं जानता या ये नहीं जानती, उनको भी सज़ा मिले, हमारे साथ इंसाफ हो। आपने ये सारी इतला थाने पे दी है? ये सारी बातें हमने कलमा थाने पे की हैं, लड़की से हमने बयान भी दिलवाए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक उस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या कहते हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि फिलहाल जो इस बात को तुम छोड़ो, अपने बंदे लेकर जाओ, बंदे भी बड़ी मुश्किल से दिए हैं। साथ गलत क्या ज्यादती की है और क्या नाम है, दूसरों से भी ज्यादती करवाई है। आप ही मारती थी, पीटती थी, धमकियाँ देती थी, खुद घर से भगाती थी और बोलती थी कि आप खुद भागी हो। मैं बोलती थी मुझे अपने भाई के पास जाना है, तो बोलती थी नहीं, अगर अपने भाई के पास गई या बताए तो मैं उन्हें भी मार दूंगी। और क्या नाम है, गैर आदमी आते थे इनके घर पर, रमज़ान मुगल और क्या नाम है शाहिद अराही और क्या नाम है जिशान अराही और शाहिद अहमद जिशान अराही, ये आते थे और ज़बरदस्ती करते थे। कुछ लोग और भी आते थे, रमज़ान मुगल वाले, ये कुछ और, किसी किसी के नाम याद है, किसी के नाम याद नहीं है मुझे। ये ज़्यादती करते थे और मैं इनके पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई, ये झूठ बोल रहे। पहले भी इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने, मैं वहाँ से छुप छुपा के आ गई मामू के पास, तो ये मामू के पास आके इन्होंने मुझे मारा है, पीटा है। मामू को बोल रही है कि दो, मैं इनको बेचूँगी, मैं इनसे पैसे वसूल करूँगी, इनको बेच के मार धमकियाँ देती थी। अभी भी धमकियाँ दे रही है कि अब मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हारे घर वालों को भी मारूंगी, तो मैं क्या करूँ। इस डर के मारे मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, इसलिए मैं अपने घर वालों से चुपती कहीं और पे भेजती थी, वो भी मुझसे ज्यादती करते थे। मेरे बहनोई का नाम है शाहिद परतलिया, मेरी बहन का नाम है सफिया। आपका बहनोई वो क्या करता है? वो सिक्योरिटी गार्ड है कराची में। और आपके साथ कोई मतलब उनके क्या मामला थे? बस यही मामला थे, मारते थे मुझे, पीटते थे, गंदी हरकतें करते थे। बिनोई भी और दूसरे लोग भी आते थे, ज्यादती करवाते थे, उनसे पैसे लेके करवाते थे, खुद घर से भगाते थे। और क्या नाम, छुरी तलक भी रखी, मैंने बोला ना मैं अपने घर वालों को बताऊँ, तो गले पे छुरी तलक रखी मारने के लिए आए, बोला अगर आपने बताया तो आपको मार देंगे।